यार तुम्हारा भी अच्छा होगा भाई, वेरी गुड। ड्राइंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, एक बार ड्राइंग से मैच कर लेना तुम्हें पता चल जाएगा इलिप्सिस का गड़बड़ बना हुआ है और ये बीच में थोड़ा कंप्लीट नहीं किया हो। ये बाकी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, तुमने चाय केतली वगैरह नहीं बनाया है। चलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जिसको भी लगे कि सर ये वाली ड्राइंग से मुझे प्रॉब्लम है, वो आप मैसेज कर सकते हो, आप पूछ सकते हो सर ये ड्राइंग मुझे प्रॉब्लम आई। हाँ बस बोलो। हेलो, हेलो। हाँ बस गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सर, मैंने ना पहले बना लिए थे सब, हाँ बट मैंने लेक्चर्स ना बाद में वॉच करे तो मतलब बहुत सी चीजें ऐसी थी हाँ कि बहुत सी कमांड्स ऐसी थी कि जो मुझे प्रॉपर वे में नहीं पता थी। तो अभी तक तो जैसे कमांड्स को मुझे फुली यूज करना नहीं आता था, बट काफी अलग अलग तरीके से यूज करना सीख लिया था मैं तो बन तो सर सब गया, हाँ बट लॉजिक तब बहुत पता चला। जी मतलब लॉजिक तो सब सेम था, बट प्रॉपर कमांड से बहुत जल्दी हो सकता था वो, हाँ 10 मिनट का काम इजिली 5-4 मिनट्स में हो जाता। तो मतलब तुम सबको ये बताना चाहते हो कि पहले लेक्चर सुन लेना तब ड्राइंग बनाना। या नेक्स्ट टाइम लेक्चर पहले देखना चाहिए, जरूरी है। और आज का जो टास्क है ना, आज का टास्क मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम बिना लेक्चर वॉच किए बना ही नहीं सकते हो, गारंटी देता हूँ, चाहे जितना टिकट लगा दो। आज का जो असाइनमेंट से टफ है, ठीक है, ये तो आसान था, लाइन ही खींचनी थी, तभी तुम लोग को मेहनत लगा होगा मुझे पता है, लेकिन क्या बोलते हैं, आज का जो टास्क है इससे भी हार्ड है, लेकिन मजा आएगा उसमें, तुम्हारे एकदम परफेक्ट है। कलाम इसको बस स्किप कर देना। लेक्चर कैसे लगे तुम लोग को, लेक्चर वॉच किया तो ऑटोमेटिक लेक्चर कैसे लगे, कमेंट करके और इसको और बताना। सर मुझे तो बहुत पसंद आया। चलेगा अभी तक सर जितने भी वीडियोस मैंने सर्च किए या इंस्टीट्यूट में जब ज्वाइन करा, अभी तक सर इतने प्रॉपर वे में तो किसी ने नहीं बताया है। लाइक चलेगा। डेफिनेटली मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं ये तब मानूंगा जब तुम लोग क्या बोलते हैं प्ले स्टोर में जाके रिव्यू डालोगे इस चीज का। सर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल सर, जस्ट क्लास के बाद। चलेगा चलेगा। हाँ अभी और क्या, क्लास खत्म करके नहीं जाना, मतलब क्लास छोड़ के नहीं जाना है। सर चलो ओके, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो हाँ जी बोलो जल्दी से। मैंने पहले जब देखा था तो मैंने एक्सपेक्टेड ओके ओके गुड, मतलब अभी समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल सर, वो प्रिसिशन का, अगर प्रिसिशन हम ऑफ रखते हैं ना, हाँ तो अभी फॉर एग्जांपल कोई लैंग्वेज में दे रहा 25 तो 12.5 आएगी, हाँ लेकिन वहां पर वो 13 दिखा रहे हैं क्योंकि प्रिसिशन बाय ऑन वो एप्रोक्सीमेट एग्जैक्टली 13 कर रहा है। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, तो प्रिसिजन का प्रॉब्लम सर, तो हमारा लेकिन फिर नहीं, 13 13 हुआ ना 20, तो कोई दिक्कत नहीं ना, ओके इतना माइनर वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं उसका। ठीक है, क्यों तुमने प्रिसिजन ऑफ किया ऑन किया तो उससे तो फर्क आएगा ना। उधर कलाम बोलो, उधर किसी का ड्राइंग छूटा क्या प्लीज कमेंट कर देना, क्योंकि देखो मैंने पूरा आपने से चेक किया, इन केस किसी का छूटा तो प्लीज बता देना, बुरा मत मान जाना कि सर मेरा इग्नोर कर दिया आपने, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपनी कोशिश एक सबका हो जाए। हाँ कलाम तुम्हारा माइक ऑन है, कुछ बोल रहा है? ठीक है सर, नहीं बोलना इसको, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करें। असाइनमेंट्स आपको थोड़ी देर में दे देता हूँ कि असाइनमेंट्स क्या है आज का, सब मेरा वो नहीं हुआ, ठीक है ओके, मक्का नहीं हुआ, मक्का का देख लेते हैं पहले। तब सिर्फ और सिर्फ 21 डेज आप मेरा साथ दो, 21 डेज तक अगर आपने असाइनमेंट्स में एक भी दिन स्किप नहीं किया, बिलीव करिए उसके बाद एकदम आपके हैबिट में आ जाएगा ये, ठीक है, ये साइंटिफिक है, कोई मैं अपने हाथ से नहीं बोल रहा, अपने मुझसे नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारा कहाँ मक्का, तुम्हारा यार नहीं आया हुआ है, ऐसे भेज दिया क्या PDF में, ये तो तुम्हारा रिज्यूम है सर, मेरा वाला, हाँ मेरा वाला हुआ। अच्छा है, तुम्हारा मेल आईडी दूसरा है, उससे बाद क्या हो गया, हैबिट पड़ गया तो हमें रोज प्रैक्टिस करने की आदत पड़ जाएगी ये तो। अच्छा ये लगभग सबने अच्छा बनाया है, कुछ लोगों को ड्राइंग्स में इशू भी है, ऐसा नहीं है कि सबने सब बना लिया है, और ये सारे ड्राइंग के ट्यूटोरियल भी मेरे पास है, बट मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपने इतनी मेहनत नहीं करते फिर, और ये जो मेहनत करके आपने पाया है इस ड्राइंग को बनाने में दिमाग लगाया होगा, मैं समझ सकता हूँ कि काफी अच्छा था वो दिमाग। चलो एक दो ड्राइंग्स आप कौन सा चाहते हो मैं बना दूँ, आप चाहो तो कमेंट कर दो, चाहे तो बता दो, ठीक है, जिसमें आपको लगा कि सर इसका लॉजिक क्लियर नहीं हुआ है आप बता सकते हैं, बता दीजिए। हाँ बस बोलो।
सर अभी ये ड्राइंग स्कूल ये सर जो ड्राइंग है लास्ट वाली, इसका सर रेडियस जो 24 दिया हुआ था आपने देखा होगा, मैंने ये डबल बनाया था। तो सर ये 24 में मुझे जो आपके अपने पीडीएफ पे जो ड्राइंग था उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस लगा, मेरे सर्कल्स एक्चुअली में छोटे दिख रहे थे। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मैंने ना सर रेडियस मैंने बढ़ा के 48 कर दिया तो वो प्रॉपरली मैच होने लगा थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, तब वो डाया का सिंबल रहा होगा, एक मिनट, तब तुमने गलत पढ़ लिया, एक मिनट, ये मैकेनिकल वर्कबुक में था ना ये? यस, ये फिर 48 डाया होगा, फिर या तो 24 डाया होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा, 24 रेडियस लिखा था आई गेस। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, इतना बड़ा मिस्टेक नहीं होगा, रेडियस 24 है तो 48 डाया हुआ ना। तुमने क्या 48 रेडियस का बनाया था? हाँ मैंने दोनों बना दिए सर। तब तुम्हारी पता है क्या गलती हुई होगी, तुम्हारी गलती पता है क्या हुई होगी, ये जो है ये डाया में है, ये एक्चुअली में 60 का बनाना था, 60 रेडियस का, ये देखो आप लिखा ना डाया। ओके, नहीं समझे, तो जो ये डायमेंशन दिए हुए हैं हमने यहाँ पे, ये सारे डायमेंशन डाया में है, तुमको तुमने समझ गए सर, रेडियस ले लिया मैंने। कोई चाहता है कि कोई ड्राइंग में बना दूं तो आप सजेस्ट कर सकते हो, मैं बना सकता हूं इसमें, तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इसमें कुछ नहीं करना था, और अगर किसी की ड्राइंग बच जाएगी तो मुझे बता देना। इसके लिए देखो यहां पे 60 लेना था, उसके बाद 80 लेना था, और इसके बाद 100 लेना था। ओके, इसके बाद यहां पे देखो ये 45 के एंगल पे 24 रेडियस का सर्किल है, तो आप सबको लेक्चर में आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन लाइन, अब देखो यहाँ मैं बताऊंगा नहीं इसका काम क्या है, क्योंकि नहीं देखा तो मतलब इसका हमने अब सीखा ही नहीं आपने। राइट क्लिक, एंगल, कितने का एंगल भाई? 45 हो गया। अब इसके बाद यहाँ जाओ, यहाँ से सर्किल लो, सर्किल लेने के बाद क्लिक, और यहाँ पर 24 एड्रेस, उनको नमस्ते बोलो, तुम आराम करो, और इनको बोलो कुछ नोटरी मूव कर देते हैं। आप क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद एरे, ये क्लिक कर दिया, ये देखो कितने 1 2 3 4 हैं, यहाँ पर आइटम में 4 डाल दो। अब ये मत बोलो कि सर एरे कैसे हो गया, क्योंकि एरे तो मैंने पूरा लेक्चर पढ़ा दिया है, अगर आपने वॉच नहीं किया तो गलती आपकी है। ट्रिम, राइट क्लिक, ये हो गया। अब जो टफ आया होगा आपको समझा नहीं होगा ये वाला पॉइंट, और तो ये पॉइंट क्या है, इसमें 35 का एंगल दिया हुआ, आप सबने देखा होगा 35 का एंगल, तो अगर इसको 180 पे डिवाइड कर दोगे 35 का 17 ऊपर चला जाएगा, 17 इधर आ जाएगा, 17.5 तो यहाँ जाओ कंस्ट्रक्शन लाइन, राइट क्लिक, एंगल कितने का 75 दिया, 35 दिया हुआ, 35 का हाफ ये आ गया, इसको सेलेक्ट करो, मिरर हो गया, इसके बाद सर्किल, इसका रेडियस दिया हुआ 8 हमने, इसका रेडियस हुआ 8, इनको चाहो तो अलविदा कर दो, अलविदा लाल को भी, इसको सेलेक्ट करो, एरे कर दो, कितना 8 का, 8 क्यों, क्योंकि 8 का इस रेडियस है नहीं है, और 8 इधर से कर दो। आप कर लोगे क्या, कमेंट करके बता दो अगर हो जाएगा तो, जिसको डाउट था इसमें। मेरा टीम एक बार पकड़ी नहीं रहा, दो बार में टीम करना पड़ रहा है, हो जाएगा। ओके, अब इसको एरे कर दो, बस खत्म। ठीक, अब एक प्रॉब्लम आया होगा आपको गोला वाले में, गोला वाला बोले तो ये वाला, इसमें भी शायद यही आया होगा, इंग्लिश तो कर ही लिए होंगे, राइट। चलो ये भी बता देता हूँ, इसके लिए आपने अगर पढ़ा होगा तो ये देखो यहाँ पर दिया भी है बड़ा अच्छे से, इसने 10 का रेडियस अंदर है, 20 का रेडियस बाहर है, ठीक है। वैसे मैंने डायमेंशन का टास्क नहीं दिया था, डायमेंशन आज आप 5वें लेक्चर में, 6वें लेक्चर में डायमेंशन पढ़ोगे, 7वें लेक्चर में आप आइसोमेट्रिक पढ़ोगे, 8वें में भी आइसोमेट्रिक पढ़ोगे। आज का जो पूरा टास्क है वो आइसोमेट्रिक बेस्ड है, वो मैं बाद में देता हूँ, पहले ये दिखा देता हूँ करके। देखो नॉर्मल सीधा 10 का रेडियस अंदर दिया हुआ है, हाँ, 20 का रेडियस बाहर दिया हुआ है, हाँ। अब ये जो है कितने हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक लाइन खींचो, कर दिया, सेलेक्ट करो, मुझे याद है, मैं तो तुम्हारे सामने गिन रहा हूँ कि तुमको याद हो जाए, मुझे पूरा डायमेंशन याद है यार इसका,
इसका नहीं, पूरे ड्राइंग पूरे वर्कबुक का ड्राइंग सुनाया था मुझे ठीक है। और ये सब कैसे होता है कि प्रैक्टिस करते करते आ जाता है मिरर, और इसके बाद इसको करके मिरर कर दिया, ये तो कर ही लेंगे। हाँ सर कर लेंगे, अभी देखो कितने हैं ये, पांच होंगे, एक दो तीन चार पांच, ये लो पोलर एरिया पढ़ाई दिया हूँ मैं, ये जाओ सेंटर पर क्लिक कर दो, पांच एंटर। इसके बाद यहाँ पर एक दिया हुआ है इलिप्स, लेकिन ये इलिप्स का टाइप कौन सा है, स्टार्ट एंड एंगल, याद रखो जिसका एंगल दिया हुआ है 100 है उससे अधिक, तो ये सब याद रखना पड़ता है, स्टार्ट एंड एंगल ये है। याद रखो हमेशा इलिप्स जो सॉरी जो आर्क होता है ऑटोकैड में उल्टा चलता है, स्टार्ट किसको होना चाहिए इसको, लेकिन यहाँ स्टार्ट माना जाएगा इसको, अगर उल्टा करोगे तो उल्टा ही बनेगा, ऐसे बनाना, उसके बाद एंगल दे दो 100 का, इसको ले लो ऑफसेट अंदर की तरफ दिया हुआ है, अगर ड्राइंग आपके सामने है तो आप देख लेना। इसको करने के टफ तरीके भी आसान भी है, मैं आसान वाला आपको बता रहा हूँ, सिलेक्ट और इसके बाद एरे फाइव ओके डन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, पूरा का पूरा सेट बन गया, क्या अभी और बनाना है बता के बताएं क्या, और आगे भी हो जाएगा विकास, क्लियर है? किसी का कोई ड्राइंग अभी है जो उनको फंस रहा हो, शायद ये वाला ड्राइंग आपको मे भी फंस रहा होगा, सब हो जाएगा वेरी गुड, शायद ये फंस रहा होगा मे भी, कैसे ये विकास ने बोला था कि इनको ये फंस रहा था, ये देखो ये कैसे बनाना है, ये तो बन गया होगा, फंसा होगा ये, तो इसके लिए क्या करना था, यहाँ पर इसका भी लेक्चर मैंने बताया, टेंट एंड रेडियस लेना था, इसमें से टेंजेंट इसको पकड़ना था, टेंजेंट कुछ लोगों ने यहाँ पकड़ा होगा, टेंजेंट ऊपर पकड़ो, फिर एक टेंजेंट यहाँ पकड़ो, और उसके बाद 105 105 एंटर, ये देखो बन गया। हाँ शुभम आपकी ड्राइंग मिली नहीं मतलब मुझे, मैंने सर्च किया आपकी ड्राइंग मिली नहीं मुझे, एक बार देखो क्या मतलब मेल आई डी मेरा गलत रहा हो या फिर मेरा मेल आई डी गलत रहा हो, स्टार वाला स्टार के बाद वाला मैंने थोड़ा बता दिया ओके ठीक है, स्टार के बाद वाला इनको शायद फिर इलिप्स बनाने में दिक्कत जा रहा है। अब इलिप्स देखो यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है, ये 100 है, कितना है ये 100 है, मतलब इसका रेडियस कितना होगा 50 ठीक है। चलो किसी कोई माइक ऑन करना चाह रहा है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बोलो जो सर, हेलो तुम्हारा माइक ऑन है, अब यहाँ पे जाओ, अगर ये 100 है तो 100 ऐसे दे दो। हेलो सर, हेलो हाँ मैं बोलूँ ना, हाँ सर वो स्टार के बाद वाला जो राइट हैंड साइड है ना वो कह रहा हूँ, अरे अच्छा ये उसके नहीं उसके बाद वाला सर, ये वाला हाँ वही सर, हाँ वही सर, कब कब का कौन सा पार्ट तुमको दिक्कत किया, ये वाला या फिर बीच वाला, वो दोनों साइड वो आर्क वाला था ना वो सर प्रॉपर नहीं हो रहा था, बीच का हो गया था। ओके मैं केवल बीच का बना देता हूँ, मतलब कॉर्नर का बना देता हूँ फिर, हाँ हाँ सर चलो, इनको दिक्कत आई है इसमें तो मैं इसको बना देता हूँ, मेरा साउंड नहीं जा रहा, नहीं साउंड तुम्हारा नहीं आ रहा है कलाम, एक बार लॉग आउट करके आ जाओ, तुम्हारा तुमने कई बार माइक ऑन करवाया पर तुम्हारा साउंड आया नहीं, ओके चलेगा पूजा मैं देख लेता हूँ, ओके मैं शुभम अभी तुम्हारा देख लेता हूँ। देखो इनको यहाँ पे एक डाउट है, तो डाउट ये है तो एक्चुअली इसमें कुछ नहीं करना था, यहाँ से 28 की हाइट पर आना है, आके यहाँ पर 10 रेडियस का एक सर्किल बनाना है, तो 10 इधर आ गए, किसी का भी डाउट रहना नहीं चाहिए, चाहे 2 घंटा लग जाए 3 घंटा लग जाए पूछ के जाना सारा डाउट। सेंटर रेडियस यहाँ पर जाओ, यहाँ से यहाँ क्लिक करो और यहाँ पर 10 क्लिक कर दो, और इसके बाद आपको इसमें ए 10 का सर्किल दिया हुआ है, मैं खुद से नहीं बना रहा, इसके बाद इसमें ऑफसेट कर दो, आई थिंक अंदर ही ऑफसेट हुआ रहेगा, 2 का है ठीक है, एक कितना कर ही लोगे, फिर यहाँ फिलेट दिया हुआ आई थिंक 12 का या फिर 10 का दिया होगा जो भी है, मतलब 12 का ही होगा आई थिंक, तो मैं देखो फिलेट किया, राइट क्लिक पढ़ सकते हो 12 10 जो दिया वो दे दो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, स्टेप सीखो 12 कर दिया हमने, ये किया हो गया। इसके बाद इसको अंदर से ऑफसेट कर दो, 2 का बस हो गया, बन गया ट्रिम राइट क्लिक, ये हो गया। ये मत सोचना कि मुझे नहीं आया तो क्या होगा, कुछ नहीं सीखेंगे ना, यहाँ तो सीखने के लिए आंसर माना नहीं। उसके बाद ये कैसे बनाना है, आपने देखा होगा यहाँ से इसके मिडिल से, मतलब ये जो इसका मिडिल है यहाँ से कुछ 48 के डिस्टेंस पे
ये गया है यहाँ से सेलेक्ट करके आठ ऊपर भेज दो, कितना एट भेज दिया कुछ ऐसे, बाद में अपना बना लिए हो आप लोग। फिर इसके सेंटर से शायद 40 का डिस्टेंस है, 40 की डिस्टेंस चले आना ऐसे, ओके। फिर एट नीचे आने के लिए दिया हुआ है, आ जाना एट नीचे। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 48 का एंगल, कितने का एंगल, 48 का एंगल दिया हुआ है। तो 48 के एंगल के लिए आप क्या करोगे, यहाँ जाओ, यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन ले लो, राइट क्लिक कर दो, एंगल और दे दो 48, ओके। और इसके बाद एंगल देते ही इनको बोल दो अलविदा, बोल दिया, इसको सेलेक्ट करो, ऑफसेट दे दो, क्योंकि इसका थिकनेस जो टोटी का थिकनेस वो 6 है, तो 3 थिकनेस ऊपर दे दो और 3 ही नीचे दे दो, दे दिया। इसके बाद ये क्लिक करके ओके, और फिर इनको डिलीट कर दो, जब बना लेना तो बता देना कि सर अब बन जाएगा। एक्सपर्टीज ऑटोकैड में जितना एक्सपर्टीज आ गया उसके बाद उतना ही रैबिट में एक्सपर्टीज आएगी, फिर उतना ही मतलब हाथ से जितना हो जाएगा उतना अच्छा है। केवल ऑटोकैड रैबिट में ही मेहनत करना है, बाकी तो आगे बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी आदत पड़ जाती है टास्क करने की। तब आप बोलोगे सर आप टास्क मत दो, डायरेक्ट टेस्ट ले लो तभी हम कर लेंगे, मुझे पता है वो हो जाता है। सर बन जाएगा वो भी, वेरी गुड, रात में ट्राई कर लो, बन जाएगा। जिसके पास जॉब है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि उसको मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, मैं समझ सकता हूँ। सर पीडियो सर से करो और ऑटो कैट का, रेरा का और ऑटो कैट का, ऑटो कैट का मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तुम्हें चाहिए तो मैं फिर से कर दूंगा, ग्रुप तुमने चेक नहीं किया सुधाम, और रेरा का डेफिनेटली मैं आपको देने वाला हूँ, ये तो मेरा पढ़ाना है, पढ़ाने पर तो देना ही है, ठीक है, रेरा भी देने वाला हूँ। ऑटो कैट का और मैकेनिकल ऑटो कैट का दोनों मैं शेयर कर चुका हूँ लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में सबको मिल चुका है। ओके, रेरा होता क्या है पहले ये समझो, इसके बाद में उसके बारे में पढ़ाऊंगा। रेरा एक एक्ट है, ठीक है, रेरा सबको सबने उसका नाम सुना होगा, कि रेरा एक एक्ट है जिसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं, जिसमें ये बताया जाता है रेरा एक्ट में। देखो कुछ लोग शायद एक आध लोग मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि दो अकाउंट मेरे ही चल रहे हैं, मैं इधर भी लॉग इन इधर भी, एक लोग कोई मिसिंग है तो ये सबसे गंदी आदत है, क्योंकि लास्ट में वही बोलेंगे अरे सर कुछ फ़ायदा नहीं है यूनिक्स विलेज को ज्वाइन करने का, फ्रस्ट्रेशन उन्हीं का निकलेगा, फ्रस्ट्रेशन उनका नहीं निकलेगा जो प्रॉपर वे से जाएंगे। तो रेरा एक एक्ट है जिस एक्ट के माध्यम से हम जो प्रॉब्लम्स मार्केट में हो रही थी, जो फ्रॉड हो रहे थे, उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने लाया, ये सबको पता होगा। 2016 में ही आया एक्ट, 2017 में 1 मई 2017 को ये लागू हुआ एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से कुछ बिल्डर्स को फाउंडेशन दे दी गई कि भाई तुमको अपना जो पैसा तुमने रजिस्ट्रेशन का लिया है, जो भी पैसा लिया है उसे तुम्हें बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा, जिस अकाउंट का नाम है स्क्रो अकाउंट, ठीक, उस अकाउंट में ही तुम्हें पैसा रखना पड़ेगा। जो पैसा चाहिए लिंक दो कि कंक्रीट के लिए चाहिए, किस स्टील के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए। उसके बाद रेरा ने एक और काम कर दिया कि सपोज आप बिल्डर बनते हो तो 5 साल तक बिल्डिंग आपके अंडर में रहेगी, 5 साल तक मेंटेनेंस आप देखेंगे, कुछ भी बिल्डिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, आपको बना के देना पड़ेगा। नो डाउट 5 साल के बाद उस बिल्डिंग का चुनाव हो जाता है, फिर चेयरमैन बन जाता है, फिर चेयरमैन पूरा कुछ देखता है, लेकिन 5 साल तक पूरे बिल्डिंग्स आपको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपको अच्छी रेटिंग चाहिए तो, ठीक है, ये टास्क होता है। और रेरा में क्या होता है, रेरा में ऐसा होता है कि अगर आपको पोजीशन के टाइम पे, पोजीशन अगर आज आपका है तो पोजीशन के टाइम पे अगर मैं आपको प्रोजेक्ट नहीं दे पाया, सपोज आज विकास को मुझे देना था फ्लैट, इन्होंने खरीदा था 3 साल पहले, नहीं दे पाया, तो या तो ये मेरे ऊपर एक्शन लेके मेरे से पैसे ले सकते हैं प्रोजेक्ट का और विद इंटरेस्ट, या फिर ये मुझे बोल सकते हैं कि आप डिले प्रोजेक्ट दीजिए बट जब तक आप डिले करेंगे तब तक इंटरेस्ट पे करेंगे। मैक्सिमम बिल्डर क्या कहते हैं कि आप रेंट पे घर ले लीजिए, हम उसका किराया पे कर देंगे जितना भी आपका रेंट होगा, उसके लिमिट्स होते हैं 15,000-12,000 ऐसे करके, ये होता है रेरा। रेरा में ये भी है कि अगर आप फ्लैट खरीद लिए, सपोज आपने खरीद लिया, कल को आप EMI नहीं पे कर पाए तो आपका फ्लैट चला जाएगा आपके हाथ से, ये भी आपको याद रखना। ये बोल रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर कवर लेटर, बता मैं एक कवर लेटर आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में सबको शेयर हो जाएगा तो बेटर पड़ेगा, ठीक है, उसको बना लीजिए फिर चेक करते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। एक कवर लेटर मैं दे देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। चलो अब रेरा पे चलें, रेरा को समझे, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दिया रेरा के बारे में।